पुलिस की जम्मू टीम की तरफ से यहाँ पर आए हुए मीडिया के जो सारे फ्रेंड्स हैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पे है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जम्मू पुलिस की तरफ से। तो बेसिकली जैसा आपने पिछले दिनों में कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ एक दो जगह पे हवाई फायर हुआ था मीरान साहब एरिया में, आरएसपोरा में, तो उसमें फिर एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हम कहते थे, तो या छठे बदमाश जिनको हम कहते हैं, या लोकल मिस्क्रेंट जिनको हम कहते थे, उसके बारे में एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। तो उसमें वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने पिछले एक दो दिनों में और दो जो नोटोरियस क्रिमिनल्स थे, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करते थे, रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, उनको हमने अप्रहेंड किया है, दर दबोच लिया है। उसमें से एक जिसका नाम तेजिंदर सिंह इलियास हैप्पी है, जो मीरान साहब एरिया का ही रहने वाला है, उसको हमने अमृतसर से हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। उसके बाद आज उसका PSA एग्जीक्यूट किया गया। और दूसरा एक जो रिपीटेड ऑफेंडर था, जो कई मल्टीपल FIRs में इन्वॉल्व है, उसको भी हमने कुछ ही घंटे पहले कुठवा के हीरानगर एरिया से गिरफ्तार किया है और उसको भी प्रिवेंटिव सेक्शन में रखा गया है। तो बाकी जो कार्रवाई है वो एज़ पर लीगल प्रोविजन्स की जाएगी, और हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए जो भी इकदामात है हम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर ला, रूल ऑफ ला रहे, पीस एंड ऑर्डर रहे। किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अपना काम जानती है और इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई भी स्टेप उठाना पड़े, ताकि लोगों की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाया जाए। तो इसके लिए मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो कॉपरेट करें पुलिस के साथ, पुलिस अपनी पुलिस पर यकीन रखे कि पुलिस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए सक्षम है, बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी जो हमारी नोटिस में किसी की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आएंगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन मेरा, यहाँ चिकंदरपुर एक गांव है जी, वहाँ के कई बार हमने देखा तीन दिहाड़े जो समुदाय के लोग चित्ते का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास भी जी जी दिन भर वहाँ जमघट लगा जी जी। तो हमारे पास भी ये शिकायतें आती रही और कई बार पिछले तीन महीने में कि इलेक्शन के बावजूद हमारी इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स रहे, काफ़ी ज़्यादा ओवर शेड्यूल रहा हमारा काम का, इलेक्शंस थे। तो रिसेंटली पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट हुए पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जैसा आपके सभी लोग जानते हैं कि बड़े अच्छी पोलिंग परसेंटेज रही और अच्छे से इलेक्शंस हुए यहाँ पर, उसमें हमारी फोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रही। उसके बावजूद भी हमने जिस एरिया का आपने नाम लिया वहाँ पर कई बार पुलिस ने रेड किए और कहीं को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गिरफ्तारियाँ नहीं, गिरफ्तारियाँ भी हुई, और हम जो आने वाला टाइम है इससे ज़्यादा कार्रवाई वहाँ पर करेंगे और हमको पूरा यकीन दिलाएंगे कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा, कानूनी दायरे में रह के उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। सर काफ़ी समय के बाद गैंगस्टर कल्चर ने दोबारा सर उठाया है। ना, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता हूँ कि गैंगस्टर कल्चर ने यहाँ पर सर उठाया है। हाँ, इतना है कि कुछ जो गैंगस्टर्स है, जो पहले नोटोरियस क्रिमिनल्स है, जेल में भी कुछ, उसमें जैसे आपने जानते होंगे कि ओबूजेट करके एक नाम आया है, तो उसके हो सकता है कुछ गुर्गे बाहर घूम रहे हो, मिस्क्रियंट गार घूम रहे हो। उनमें से पिछले दिनों ही तीन गिरफ्तार किए गए हैं, और ये जो दो जिनकी मैं आज कहानी आपको बता रहा हूँ कि जिनको पुलिस ने अप्रहेंड किया है, उसमें एक के खिलाफ़ PSA में बुक हुआ है वो, तो बाकी लोगों के खिलाफ़ भी अगर कोई हमारी IC नोट्स में आ रहा है, उनको इन कमिंग डेज में आप देखेंगे कि वो बाहर नहीं, जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। इंस्टाग्राम पर सर इसकी जिम्मेदारी ली गई थी, उसने लिखा था कि ये जो किया है ये अपू गैंग ने करवाया है। अब ये जो उसके बारे में मैंने कहा जी जी, उसके बारे में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि SF साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DPL जम्मू में, जिसमें सारे पत्रकार फ्रेंड्स वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने SF साहब से उस वक्त क्वेश्चन भी किए थे, उन्होंने उनका माकूल जवाब भी दिया था। लेकिन मैं आपको इतना कह दूं कि क्योंकि जो मीरान साहब का केस था उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस आस्पेक्ट पे लेके भी हम काम कर रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, बट जो उसमें सोशल मीडिया पोस्ट थे,
इंस्टाग्राम पोस्ट थे उसकी भी तहकीकात हो रही है कि वो किसने अपलोड किए, कैसे किए, और आने वाले वक्त में वो हम आपके सामने वो तथ्य रखेंगे। इंस्टाग्राम में से कुछ पोस्टें डिलीट भी कर दी गई हैं, यानी कि वो इंस्टाग्राम जो अभी तक चल रहा है वो अकाउंट जी उसकी तहकीकात हो रही है कि वो जेल के अंदर से चल रहा था या बाहर से चल रहा था, तो उसकी तहकीकात हो रही है। हम उसमें देखेंगे कि कौन उसका जो यूज़र था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो अरेस्ट है अब्दुल जट का, उसको रिमांड पर आने वाले दिनों में लेकर, वो तो 302 में ऑलरेडी लॉज है। 302 से बड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि मर्डर केस में ऑलरेडी बुक है कुठवा जेल में, तो हम देखेंगे फर्दर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। बट उसकी एक्टिविटीज़ को करप करने के लिए जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, बिल्कुल करेगी। इस केस में सर अबू जट का नाम जो है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो वो अलग केस में वो अंदर है क्या? इस केस में उसको बुलाया जाए कि उसने कहा है कि इसकी बिल्कुल, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट सरफेस होती है जैसा कि नाम आ रहा है, तो उसके खिलाफ जो भी फर्दर कार्रवाई इस केस में होगी वो कानूनी दायरे में रहकर की जाएगी। बेसिकली अगर बंदा बाहर है तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पीछे दौड़ती है, कार्रवाई करने के लिए दौड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो ऑलरेडी 302 में कुठवा जेल में सज़ा काट रहा है, तो उसमें जब हमें इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है जिस स्टेज पे हमें उसकी ज़रूरत होगी उसको बुला के हमें पूरी पूछताछ करने की नहीं ज़रूरत है। बट अभी हम इनिशियल स्टेज में हमारे जो बाहर क्रिमिनल्स घूम रहे हैं पहले हम उनको जमा कर रहे हैं, उनसे जो सबूत है वो इकट्ठे कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, केस को कनेक्ट कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आइंदा हम जो इसमें कार्रवाई होगी उसमें हो सकता है उसको भी पूछताछ में लाया जाए। एक और नई चीज़ जो देखी गई है कि सभी जो है वो जुवेनाइल्स यूज़ किए गए। हाँ नहीं, मतलब सारे जुवेनाइल्स ही हैं, जो मेन दो शूटर्स थे जिन्हें मेन मतलब जिनका इसमें हाथ रहा है वो जुवेनाइल्स हैं, उनको हमने एज़ पर कानूनी कार्रवाई जो लवाजमात है उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम पेरेंट्स को भी ये अपील करते हैं कि वो अपने टीनेजर मतलब यूथ मतलब जो माइनर्स हैं उन पर नज़र रखें ताकि वो इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ना पड़े। और हम इसके अलावा भी जो ये स्टंट बाइकिंग है, ये जो आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड सिलेंसर्स जो चला के यहाँ पर एक कल्चर बनाए उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पिछले कुछ दिनों से क्रिमिनल एक्टिविटी किस एरिया में ज़्यादा बढ़ी है? ना ऐसा नहीं बढ़ी है, बल्कि क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई ज़्यादा हुई है, इसलिए आपको लग रहा है। आप देखिए कि आपको लगा होगा कि इनके खिलाफ PSA बढ़ गए हैं, इनके खिलाफ पिट NDPS के केसेस बढ़ रहे हैं। हर दिन आपको न्यूज़ मिल रही है कि आज एक क्रिमिनल एलिमेंट पकड़ा गया, दूसरे दिन दूसरा पकड़ा, जैसे आज अभी लोग बोलेंगे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। ना ऐसा नहीं है, बल्कि क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और हर दिन आपको एक एक न्यूज़ मिल रही है। इतना है कि हाँ, अगर हमें लगता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है या लोगों में ऐसा कोई आशंका है कि कोई किसी बंदे से उनको जान माल का खतरा है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, मेरा सवाल ये था कि जो भी इसमें एक्टिविटी में जो यूज हो रहे हैं उनकी उम्र 17 से 24 साल तक की बच्चों की उम्र है, क्या लगता है कि जानबूझकर उनका मोरल? बिल्कुल, इट इज़ अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ द क्रिमिनल्स बिकॉज दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द लीगल लिमिटेशन कि 18 साल से बिलो होगा तो उसको कानूनी तौर पर हम अरेस्ट नहीं कर सकते, लॉकअप में नहीं रख सकते, उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखना है, उसकी बेल के कंडीशंस भी थोड़े से नरम होते हैं। बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो रिपीटेड ऑफेंडर है जिसके खिलाफ बार बार मतलब FIR लगे हुए हैं, कानून की वायलेशन है, उसके खिलाफ इस बार हम जो भी स्टेप ले सकते हैं वो ले लेंगे। यस इलेक्शन में उसमें कुछ लिमिटेशंस आई थी, थाना दिवस वगैरह हम नहीं कर सके थे बिकॉज ऑफ सम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बस अब इलेक्शन जैसे कि आप समझते कि इख्तिताम पजीर हो गए, हम फिर से ये सिलसिला रेस्टोर कर रहे हैं। इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा काम हुआ था, हम फिर से रेस्टोर कर रहे हैं ये, और आइंदा आप देखेंगे कि हर थाने हर चौकी में पुलिस की तरफ से हर हफ्ते हर महीने में ज़रूर ये प्रोग्राम होंगे और मैं खुद भी ऑलमोस्ट जो अपने सब डिवीज़न में या अपने जोन में है मैं पार्टिसिपेट करूँगा। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।